तो गाइज आज चूल्हा जितने हैं रसोई में सफाई करके फिर आज की त्योहार में भगवान की पूजा के लिए माता भगवती के लिए सब प्रकार की बनेगी, पूरी खीर वो सुच्चा सब्जी और रोट भी बनेगी, ये सब बना करके फिर भोग लगेगा भगवान जी को, मैं दिखाऊंगी बनेगी तो है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। पूरी बन रही है, अब इसको काट काट के छोटे छोटे बनाएंगे गाइज। आप देखिए मेरे तेल गरम हो रहा, हाँ। वो भी बन गए टिकरी, टिकरी बोलते ना, रोट और खस्ता, खस्ता रोट टिकरी। कितने दिन चल जाता है ये बनने के बाद? ये तो 15 दिन तक रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा वो। ये ड्राइंग ये होता है क्या, छोटी छोटी पूड़ी बनानी हो ये हैक अपनाओ। हाँ ये देख, ये जाएगी अब घी में, घी में बन रही है। यूहू टेस्टी टेस्टी पूड़ी, निक्की निक्की सी। कितनी बनानी है ये पूड़ी? बनानी है 40। ओ गॉश, मटर भी बनाओगे ना आप? मटर ये फूलगी फूलगी, पलटो इसको, फूलगी छोटी छोटी फूल रही, सब फूलेगा। इसमें बेसन भी मिक्स है, आटा बेसन घी मसाले, कचौड़ियाँ वाली पूरी है, कचौड़ियाँ वाली पूरी। गाइज तो ये आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताना है, दोबारा हट के देंगे तो अच्छी बनेगी। चिपक गई, इसके बाद सब्जी बनेगी ना? सब्जी तो मैं बनाऊंगी। हाँ सब्जी तुम बना लेना, आलू की तरी, हल्की तरी वाली सब्जी बनेगी पूड़ी के साथ। हाँ। के। फिर जब मासी, मासी आप घंटी की आवाज़ सुन सकते हो, ऊपर से आ रही है, ऊपर पूजा चल रही है। सगाई जब खीर बन रही है यहाँ पर, ये देखो दूध इसमें बनेगी, इसमें इसमें बन रही है बड़ू पतीला। हाँ ये तो दूध पक गया, पक गया, इसमें चावल पड़ गया है, इसमें चावल डाल दिए और केसर डालूंगी, केसर डालूंगी, केसर या तेरा। और लास्ट में चीनी डालती हूँ मैं, ड्राई फ्रूट्स मावे, ये ड्राई फ्रूट है। तो गाइज बनते बनते तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी। तब तक के लिए पूड़ी नहीं आई है, ये है रोट, रोट रोट है, तोड़ के दिखाना है? नहीं नहीं नहीं, अभी सुबह इसमें कुछ भरा है? नहीं, खीर बन गई, खीर बन गई। देख कितनी टेस्टी लग रही है। किसके आटे की बनाई है? गेहूं के आटे के बना है रोट, रोट। रात को बज रही 8 और भगवान को जो अभी पूजा की हूँ, वो पूजा की ये सारा कुछ चढ़ाई हूँ मैं। आज त्योहार थी घर में तो उसके लिए ये सारा चीज बना है, तो भगवान की भोग लगी है। आप देखिए और नमस्कार कीजिए। वाह मम्मी वाह, पूरा सुची ब्लू नहीं है, देख तले ग्रीन है आज, आज ग्रीन सावन है। की है, सावन की है, इसलिए 3 दिन तो अलग, आज सावन की घड़ी है। हाँ पसीना पसीना हो रही है मम्मी, तो पसीने हो रहे हैं, पसीने कोई बात नहीं, पूरी से माता टेक। आज तीज नहीं है, आज सावन की घड़ी है, ठीक है। माता रानी को चढ़ाए मम्मी ने, मंदिर बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है आपने, मैंने परसों डेकोरेट किया था, सारा निकाल के सब साफ। वाह सही है, नानी का डी ये आया मेरा एक और भांजा, जल्दी जल्दी में नमस्कार कर लो, भगवान तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है, बाय बाय, बाय भैया, जय श्री कृष्ण। हाँ मासी गई मंदिर में माथा टेकने,
भाई कितने सोने लग रहे हमारे कान्हा जी, छोटे से लड्डू गोपाल है। काला वाला लगा, काला लगा रखी हूँ आज नजर के लिए मैं लगा रखी हूँ बहुत मेहनत कर ली आज तो। अपने आप को अभी हम प्रसाद खाएंगे और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन मम्मी काम करती रही आज और पाली भी, और ये त्योहार था तो होना चाहिए। हाँ तो फिर अब जो है थोड़ा रेस्ट करना भी बनता है। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कर देना पक्का पक्का प्लीज। तो गाइज अब रात के बज रहे हैं 11:15 और अब जो है खाने बैठी हूँ मैं, तो हम सभी बैठकर अब खाना खाएंगे। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।